हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रिस्टल मेकओवर। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ शिल्पा गुप्ता। देखिए हमारी मॉडल कितनी प्रिटी लग रही है। आज हम इस मेकअप का ट्यूटोरियल देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी देरी किए हुए। सो हमने अपने मॉडल को लेंस पहना दिया है ऑलरेडी, और हमारे मॉडल का नाम है सिया। और मैंने हम स्टार्ट करते हैं। कभी भी हमें मेकअप करने से पहले हमेशा मॉडल के क्लीन फेस को एकदम अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना है, जिसको हम वेट टिश्यू से कर दिया है ऑलरेडी। फिर हमने टोनिंग किया है एप्स गुडनेस के रोज़ वाटर से। देन मैं गार्नियर का विटामिन सी का सीरम यूज़ कर रही हूँ, और सीरम जब तक आपके फेस में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपको हल्के हाथों से उसको स्किन में मर्ज करना है। देन हमें अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। ये मैंने अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र पोन्स का। ओके, ये जो पोन्स का मॉइस्चराइज़र है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसमें पोन्स में क्रीम बेस में जो मॉइस्चराइज़र है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट जब तक आपके फेस में ऑब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपको सेकंड प्रोडक्ट नहीं लगाना है, जिससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बहुत लोग अपने मेकअप करते करते बहुत, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप फटाफट करने के चक्कर में ये वाला पहले ये लगा दिया वो लगा दिया एंड ऑल लगा दिया, तो ऐसा नहीं करना है हमको। हमें नॉर्मल टू अब फेस में अच्छे से प्रोडक्ट ऑब्जॉर्ब हो जाए तब तक ही तब मेकअप स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट हमने इनका सारा स्किन की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर दी है, और मैंने साइड में इनके टिश्यू रख रखा है जो ड्राई टिश्यू है कि मुझे ब्रश क्लीन करने के लिए काम में आएगा। ओके, फर्स्ट हम मेकअप स्टूडियो का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ डार्क एंड ऑरेंज को मिक्स करके। इनको ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है इस वजह से, तो जहाँ जहाँ मुझे थोड़े थोड़े लग रहे हैं ऑरेंज करेक्टर कर दे रही हूँ, जिससे कि दोनों मिक्स हो जाएगा। फिर ये करने के बाद हमें ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से प्रॉपरली जहाँ पे हमने कंसील किया है वहाँ पे वहीं पे हमें अच्छे से डैप करना है। ये नहीं कि साइड साइड टू जहाँ पे उसको खींचना नहीं है, प्रॉपर टैप डैप करके हमें कंसीलर को एक जगह पे स्टे कराना है। फिर उसके बाद हमें फाउंडेशन अप्लाई करना है, तो मैं एले गर्ल का दो एक डार्क शेड एंड एक लाइट शेड फाउंडेशन लूँगी, जिसे दोनों को मिक्स करके इनके स्किन टोन बनाने वाली हूँ, जिससे इनका जो ज़्यादा फेयर नहीं करना है। मेरा हमेशा मैं सोचती हूँ जो भी नेचुरल स्किन हो वही दिखनी चाहिए, बस हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हाइड होनी चाहिए। ओके, तो हमने दोनों फाउंडेशन को मिक्स किया, देन इनके फेस पे वो अप्लाई किया मैंने। इनसे ज़्यादा ना फेयर है ना नॉर्मल ज़्यादा डार्क है, ये इनकी स्किन के प्रॉपर फाउंडेशन को अप्लाई करना है प्रॉपरली। देखिए कितने अच्छे से इनके स्किन की मैचिंग हो रही है। हमेशा अपने फेस का टोन अपने नेक के गले के जो टोन होती है ना उसके अकॉर्डिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों एक दूसरे के मैच करेंगे नेक और वो, तो उससे ज़्यादा मतलब अलग अलग नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हमारा फेस और नेक अलग नहीं दिखाई देगा, हमेशा फाउंडेशन नेक पे भी लगाना है, ईयर पे भी लगाना है, बहुत जगह। ओके, ये हमने फाउंडेशन अच्छे से टैप कर दिया। इसके बाद हमें अब हमें हाईलाइट पॉइंट का जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को ज़्यादा हाईलाइट करना होता है उस जगह पे हमें कंसीलर एक शेड फेयर लेना है, आपके फाउंडेशन से एक शेड फेयर टोन लेना है, जिससे आपके जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वो प्रॉपर दिखाई देगा। ओके, फिर इसे भी अच्छे से ब्लेंड करना है, ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाई देना चाहिए कि हमने कुछ लगा रखा है, हमें एकदम नेचुरल ही दिखाना है अपनी चीज़ों को।
ज़्यादा मैंने वीडियो फास्ट नहीं किया, एकदम नेचुरल आपको दिखाई देगा प्रॉपर स्टेप टू स्टेप कि मैंने ये मेकअप को किस तरह से कंप्लीट किया है। सॉरी मैं एक साइड का भूल गई हूँ उससे पहले लूज पाउडर लगाना स्टार्ट कर दिया अभी उसको भी ब्लेंड कर देंगे मैंने उसको भी देख लिया, अब मैं सब ब्लेंड कर रही हूँ। वही थी गलती यार, छोटी छोटी बात तो उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए। सो मैंने लूज पाउडर को हमेशा अपने स्किन पे क्रीज आने से पहले ही कंजीलर लगाने के बाद तुरंत बाद हमें लूज पाउडर अप्लाई करना है, जिससे हमारे फेस पे क्रीज नहीं आएंगी। और इसको अच्छे से मैंने कर दिया एकदम प्रॉपरली, एकदम देख सकते हैं आपको कि मतलब कितना अच्छे से हाईलाइट हो रही है स्किन। मैंने नेक पे नहीं कर रखा है इनका, मैं लास्ट तक नेक करना भूल जाती हूँ। थोड़ा सा ही फाउंडेशन लगाया था उनको, फिर मैं ले रही हूँ कॉन्टोर। इनके फेस पे ज़्यादा मतलब नहीं है, इनका फेस एकदम नॉर्मल है। तो मैंने क्या बोलते हैं सॉरी मैंने क्रीम कॉन्टोर नहीं किया है इनको, पाउडर कॉन्टोर किया, जिससे ज़्यादा इनका मतलब अजीब नहीं दिखे। हमें ज़्यादा हैवी लुक नहीं देना है, इस वजह से हम क्रीम कॉन्टोर नहीं कर रहे हैं, पाउडर कॉन्टोर कर रहे हैं। अब मैंने वर्ल्ड एंड वाइट का ब्लशर लिया है, जिससे इनकी फेस एकदम प्रॉपर। अब मैंने हाईलाइट लिया है शुगर का, आप देख सकते हैं शुगर वाले कॉन्टोर से ही मैंने इनका कॉन्टोर किया था, और शुगर वाले हाईलाइट से इनका ही हाईलाइटिंग, जहाँ जहाँ देखिए हाईलाइट का पॉइंट है वहाँ वहाँ हाईलाइटिंग किया है मैंने। दैट्स इट, ये हमारा हाईलाइटिंग का ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम अब जाते हैं आइज़ की ओर पे। आइज़ की ओर पे इन्होंने इनका ड्रेसिंग, मैंने एक शेड लाइट कंसीलर लिया है जो इनके आईज़ पे वापस अप्लाई किया मैंने, जिससे ब्लेंड करने के बाद आईज़ को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए एक शेड ज़्यादा टोन लेने से उनके आईज़ पे जो हम वर्क करते हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है। इसको भी ब्लेंड कर देंगे। इनकी ड्रेस जो है वो ग्रीन है, पिंक है और येलो में है। ओके, तो हम इनके जो आईज़ पे है उसका ही टचअप देने वाले हैं, कि मतलब जो इनके ड्रेसिंग अकॉर्डिंग है वो अच्छे से एकदम क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो फर्स्ट मैंने सोचा था पहले कि मैं पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ, फिर मुझे सडनली इनके आईज़ में मैंने सोचा कि गोल्डन वर्क भी है तो फिर मैं येलो का भी टोन दे सकते हो, और येलो का भी वर्क है ऑलरेडी इनके ब्लाउज में, आप देख सकते हैं, जिससे जो आइज़ का काम है वो काफ़ी प्रॉपर और कुछ यूनिक करने का सडनली मन हुआ, तो फिर मैंने कर दिया कि मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा इनके अकॉर्डिंग और इनके फेस पे भी। और मेरे जो मॉडल है उनके आइज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख सकते हैं उनकी आँखों में बहुत प्रॉब्लम है ऑलरेडी। जैसे उनके लेंस के एक साइड है हमारी राइट साइड वाले, जो लेफ्ट साइड वाली इनके आईज़ है हमारे इधर से, उनको लेंस में से बहुत इशू हो रही है कब से, तो मैं सोच रही हूँ उसको निकाल दूँ जिससे इनको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। तो अभी मैं इनके लेंस को निकालने के बाद इनको वापस पहनाने वाली हूँ लेंस को। देखो उनको प्रॉब्लम हो रही है ऑलरेडी, उनको कब से पानी आ रहा है आँखों में। तो मैं हैंड वॉश करने गई थी, हैंड हमेशा लेंस को निकालने से पहले या फिर लगाने से पहले अपने हैंड को एकदम प्रॉपर क्लीन रखना है, जिससे हमारी मॉडल या फिर खुद के भी आईज़ में अगर आप ऐसा करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आए, ना इन्फेक्शन है ना कुछ हो। और अब कभी आपको इस तरह से प्रॉब्लम होती है तो एक लंबी लंबी सांस लीजिए, आपकी आईज़ एकदम प्रॉपर हो जाएगी। अब थोड़ा देर तक इनको रेस्ट करने के बाद हमने बोला कि वापस इनको लेंस लगा, थोड़ा देर तक रेस्ट लिया इन्होंने, अब हम इनको वापस लेंस लगा देंगे, मेकअप स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आई का मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैंने टिश्यू रख लिया है ऑलरेडी अपने पास, जैसे कि हमेशा एक्स्ट्रा ब्रश को क्लीन करने के लिए। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने अपना ब्रश क्लीन नहीं किया था, इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी जो मेरे ब्रश में पहले का कलर था वो डिपॉजिट हो गया था।
बट कोई टेंशन की बात नहीं है, वो मैं अपने हिसाब से क्लीन कर लूँगी। मैंने जो फर्स्ट कलर लिया है वो पीच लिया है पिंक के अकॉर्डिंग। दो पहले हमें लाइट पिंक से काम करना है, फिर डार्क पिंक से काम करना है। तो फर्स्ट मैंने अच्छे से पिंक कलर को डिपॉजिट किया आईज़ पे, और हमेशा आपकी जो लाइन्स है आई में वो दिखनी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट मैं ये कंप्लीट होने के बाद मैं क्रीम कंसीलर लेकर एक हाफ कट क्रीज दूंगी जिस एकदम प्रॉपरली, और हम इसमें हम क्रीज भी बनाते हैं तो हमारी लाइंस दिखती है, तो हमारी जो लाइन्स किसी भी में दिखना नहीं चाहिए। ओके, तो हमारी लाइंस ना दिखे उसके लिए हमें फटाफट ब्लेंड करना होता है। तो फर्स्ट हमें जो हम क्रीज बनाते वहाँ पे अपनी लाइंस को कवर करने के लिए हमें प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है, वहाँ पे प्रोडक्ट को रखना है जिससे हमारे लाइंस दिखाई नहीं दे। देन फिर मैंने डिपॉजिट करने के बाद कंप्लीट हो गया, देन मैंने ग्रीन कलर का, उसके बाद मैं येलो कलर का कलर ले करके इनर कॉर्नर आउट कॉर्नर को बोथ को कंप्लीट कर लूँगी। बट हमें जो भी काम करना है जो हमारे लाइंस है ना वो दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो हमें इस तरह से काम करना है। तो अगर हमारी लाइंस दिखाई देंगी ना तो काम प्रॉपर नहीं दिखा, तो हमारी जितने हो सके लाइंस को ब्लेंड करना है जिससे हमारे आई मेकअप फ्लॉलेस और एकदम परफेक्ट दिखा। जब हम आई का मेकअप दिखाते ना तो हमारे जो इनर कॉर्नर में उसके थ्रू हमें बाहर का कलर जाते हुए दिखाई देना चाहिए। सो आई का मेकअप मैंने कंप्लीट कर दिया, फिर इसके बाद मैं आईलाइनर, आईलैशेस, फिर लोअर लैशेस को सब। तो इस तरह से कंप्लीट हो रहा है हमारा आई का मेकअप। ऑलरेडी बेस रेडी हो चुका है, फिर आईब्रो डिफाइंड बाकी है, लिपस्टिक। अब सोचो हम मैं कौन से कलर के लिपस्टिक लगाऊं उसके ऊपर। मैंने तो सोच रखा था पिंक कलर का, बट जो पिंक कलर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने पिंक में मिक्स एंड मैच करके थोड़ा रेड में और पिंक को मिक्स करके इनकी लिपस्टिक को रेडी करा और मस्कारा। इनकी आईलैशेस इतनी अच्छी थी कि इनको आईलैशेस की भी ज़रूरत नहीं थी, बट आईलैशेस लगाना मस्ट इम्पॉर्टेंट आईज को अच्छा दिखाने के लिए। मैंने गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाने का कुछ प्लान नहीं था, बट सडनली डिसाइड किया कि यार गोल्डन कलर की जरी है इनकी ड्रेस में, सो हम गोल्डन कलर का ग्लिटर अप्लाई करेंगे जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सॉरी मैं वीडियोस में आगे पीछे हो रही हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। जो हमारे प्रोडक्ट्स आई का मेकअप करते टाइम गिर जाते होने, पहले फैन ब्रश से, फ्लफी ब्रश से आप उसको क्लीन कीजिए। एक बार मैंने वापस टचअप कर दिया, और अब लोअर लैशेस को कंप्लीट करना है, देन हमारा आई का मेकअप ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। काजल लगाने से आपके आईज बहुत ज़्यादा ही ब्यूटी लगते हैं। हमें इस तरह से काम नहीं करना है कि मैंने ये लगा रखा है देन वो लगा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें फेस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, फेस के अकॉर्डिंग काम करने से जो हमारा मेकअप है उनके फेस के अकॉर्डिंग अच्छा लगना चाहिए। अब इनकी आईज अच्छी थी तो ये आई का मेकअप इनके आईज पे काफ़ी अच्छा लगता है, सो हमने इनको लिपस्टिक लगाएंगे, देन हमारा मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन। हेयर का मेकअप, हेयर की वीडियोस मैंने बनाने का ट्राई किया था बट नहीं बनी, तो नेक्स्ट टाइम से मैं हेयर की भी वीडियोस रखूँगी। ऑलमोस्ट इनके हेयर का जो मेकअप है, नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियोस होगी तो मैं हेयर का मेकअप कंपलसरी उसे रखूँगी। सो आपको ये मेकअप कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके साथ भी जो लिपस्टिक का करेक्शन करना है इशू आती है तो आप अपने कंसीलर के द्वारा उसे करेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डन हो गई, हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया, एंड देन सो आपको ये मेकअप कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, लव यू, टेक केयर, बाय।